महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव परिणाम आए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर रस्साकसी जारी है। शिवसेना के रुख से बीजेपी की मुश्किलें बड़ी हुई हैं। दरअसल परिणाम आते ही शिवसेना ने 50-50 का फार्मूला रख दिया था, यानी राज में 2.5 साल मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा और 2.5 साल बीजेपी का, लेकिन बीजेपी इसे मानने को तैयार नहीं। दरअसल दोनों दलों की कुल मिलाकर 161 सीटें हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 16 ज्यादा है। बिना शिवसेना के बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, इसी बात को लेकर शिवसेना अड़ी हुई है और लिखित में आश्वासन चाहती है। देवेंद्र फडणवीस ने इसको खारिज कर दिया। उनका कहना है कि वो ही 5 साल सरकार का नेतृत्व करेंगे। उस वक्त विवाद और बढ़ गया जब शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी सत्य की राजनीति करती है, वह सत्ता की भूखी नहीं है। दरअसल शिवसेना बीजेपी पर दबाव बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है और इसी के तहत संजय राउत ने कहा था कि उनके पास और भी विकल्प मौजूद है, लेकिन वो उन विकल्पों को स्वीकार करने का पाप नहीं कर सकती। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना का इशारा एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का है। अगर इन तीनों दलों को मिला लिया जाए तो राज्य में 154 सीटें हो जाएगी, जो बहुमत के 145 के आंकड़े से 9 ज्यादा हैं। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जहां शिवसेना सिर्फ प्रेशर की राजनीति कर रही है, वहीं बीजेपी ने इस ओर गंभीर प्रयास करने शुरू कर दिए। बीजेपी के कई नेता एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के संपर्क में हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि शरद पवार और बीजेपी मिलकर कुल 159 सीटें हो जाएंगी, जो बहुमत के आंकड़े से 14 ज्यादा है। लेकिन सवाल उठता है कि चुनाव के दौरान एक दूसरे पर जमकर हमला बोलने वाली एनसीपी और भाजपा किन शर्तों पर साथ आ सकते हैं। इस पर बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि एनसीपी को भाजपा के साथ आने में ज्यादा गुरेज नहीं है। इसकी वजह है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और उनकी पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ चल रही ईडी जांच है। विधानसभा चुनाव में ही ईडी ने शरद पवार के खिलाफ कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़े कई मामलों में केस दर्ज किए। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का नाम अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के गुर्गे इकबाल मिर्ची संघ जमीन सौदे को लेकर है। ऐसे में एनसीपी जांच में राहत को लेकर बीजेपी को समर्थन दे सकती है और इसी तरह बीजेपी नेता मान रहे हैं कि इसके जरिए हम बार बार प्रॉब्लम पैदा करने वाली शिवसेना को भी सबक सिखा सकते हैं। दरअसल शिवसेना के साथ बीजेपी अब तक राज्य में 3 बार सरकार बना चुकी है। दोनों पार्टी की विचारधारा काफी मिलती जुलती है, लेकिन तीनों ही बार शिवसेना ने बीजेपी पर काफी प्रेशर बनाया था। दरअसल शिवसेना का आइडियल रुख उसका पुराना पैंतरा है, वो ज्यादातर इस मामले में कामयाब भी रही है। यही वजह है कि इस बार भी शिवसेना अपने इस पुराने तरीके के जरिए ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के चक्कर में है। वहीं बीजेपी के सीनियर सूत्र बताते हैं कि शिवसेना को हमने संदेश दे दिया कि उसे मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने वाला है, वो डिप्टी सीएम के पोस्ट पर संतोष करे। वरिष्ठ बीजेपी नेता का कहना है कि शिवसेना को पता है कि उसे मुख्यमंत्री नहीं मिलने वाला, लेकिन शिवसेना दबाव की राजनीति कर रही है और इस राजनीति के जरिए वो चाहती है कि उसे वित्त और गृह मंत्रालय जैसे अहम महकमे मिल जाए। इसके साथ ही बीजेपी कहती है कि शिवसेना भले ही विकल्प खुले रहने की बात करती हो, लेकिन उसे ये भी पता है कि कांग्रेस एनसीपी के सहयोग से सरकार बनाने पर उनकी उग्र हिंदुत्व की राजनीति पर असर पड़ेगा और जनता के बीच वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन अगर हम एनसीपी के साथ सरकार बनाते हैं तो हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि फायदा ही होगा। महाराष्ट्र में कई अपडेट देखने को मिलेंगे।